आज मैं आपको अपनी जिंदगी की हकीकत की कहानी सुनाऊंगा। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं और जिन्होंने मुझे बचपन में देखा होगा, वो हमेशा मुझे एक ही बात करते थे, जैन तू तो सारा दिन कहां लगा जाता है, क्या करता रहता है, कब तक करता रहेगा और इसका नतीजा क्या होगा। मेरा जवाब, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे यदि बचपन से जानते हैं तो कभी ना कभी उनको भी शायद यह जवाब मिला हो, शायद आपको भी, कि कभी आपने मुझे थके हुए देखा, क्या कभी आपने मुझे मायूस देखा, और यदि नहीं तो मैं इसी दौर में इतनी दूर निकल जाऊंगा कि जब मैं पीछे मुड़के देखूंगा तो मुझे आप नजर नहीं आएंगे। आज भी मैं उस दौर में दौड़ रहा हूं, थोड़ी सी मेंटल टफनेस, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा पागलपन इस जिंदगी में चाहिए, जरूर चाहिए। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये जो थोड़ी सी मेंटल टफनेस, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा सा मुझे चाहिए। ये दुनिया भरी हुई है उन सब हारे हुए लोगों से जो पूरी तरह अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। थोड़ा सा जिंदगी में डिसिप्लिन, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आपको सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगी, पीछे कर देगी पूरी दुनिया को। बस आपको अपनी जिंदगी से एक क्वेश्चन करना है, क्या मुझे इस जिंदगी से क्या चाहिए। ये दुनिया एक अजीब सी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, ये दुनिया एक अजीब सी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, पूरी दुनिया एक बेड़ी टाइप जेल में बंद है। क्या है वो जेल, थोड़ा सा गौर फरमाइए। आप सुबह उठते हैं, पर्टिकुलर रेडी होते हैं, आपको कुछ करना है, क्या वो जो आप डेली कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने ऑफिस में नॉर्मली वॉक करते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, नेक्स्ट डे सेम टू सेम प्रोसेस, एक जिंदगी पेंडुलम बन के रह। पेंडुलम वो पर्टिकुलर 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, आप वो कर रहे हैं जो जिंदगी आपसे करा रही है, तो क्या मिलेगा, वही जो अब आपको मिल रहा है। आपने कभी गधे को देखा है, उसे जस्ट हाँक आ जाता है और वो उस हाँक के सारे चलता रहता है, भेड़ बकरियों को हाँक हाँक हाँकते जाता है। कभी क्या किसी भेड़ ने अपने उस गधे से पूछा, क्यों भाई, क्यों क्यों हाँक रहा है? नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम यही हमारी जिंदगी के साथ है। ये जिंदगी हमें हाँक रही है और हम चले जा रहे हैं और वही मिल रहा है जो ये दे रही है। क्या कभी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ हटकर नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो मिलेगा वही जो मिल रहा है, और यदि चाहिए तो अपनी जिंदगी से पूछना होगा क्या चाहिए जिंदगी से। तो कुछ करना चाहते हैं अलग, और यदि हां तो पूछिए अपने आप से कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर कौन है और क्या करना होगा उससे भी ऊपर जाने। निकालिए बाहर अपने पोटेंशियल को और उस पोटेंशियल को पूछिए कि मुझे ये चाहिए। आपको डेवलप करना होगा अपना पोटेंशियल, अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। बहुत सारे लड़के आजकल आपको देखने को मिलेंगे फिट फाट बॉडी, घंटों जिम में लगाते हैं, डाइट प्लान बिल्कुल एक परफेक्टली डाइट प्लान करते हैं, सुबह उठेंगे ये खाना है, उसके बाद ये खाना है, उसके बाद वो खाना है, मुझे दौड़ लगानी है, मुझे ये पर्टिकुलर जिम में जाएंगे, घंटों बिताएंगे। इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे लड़के बहुत ज्यादा, आज के टाइम पे लड़कियां भी, क्या कभी आपने इस माइंड का डाइट चार्ट बनाया, क्या दे रहे हैं अपने इस दिमाग को,
आप इस दिमाग को क्या खिला रहे हैं, कितना टाइम जिस तरीके से इस बॉडी को अपनी सुंदर और मजबूत बनाने में लगा रहे हैं, इस माइंड को कितना समय दे रहे हैं अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए। क्या है आपका माइंड का डाइट प्लान? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। डाइट प्लान ऑन मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जीरो, बिल्कुल जीरो। आपको पढ़नी होंगी जीवनियां बिल गेट्स की, कैसे वो इतना अमीर बन गया। आपको जानना होगा मार्क जुकरबर्ग के बारे में, क्या किया उसने यूनिक कि आज वो टॉप मिलियंस में जाना जाता है अपने इंडिया में। मित्तल, टाटा, अंबानी सबको पढ़िए। ये अपना एक मेंटली डाइट प्लान जनरेट कीजिए। आपको सक्सेसफुल लोगों को देखना होगा, उनके बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा उनके बारे में, और उनसे अपना एक डाइट प्लान चार्ट कर इस माइंड को देनी होगी आपको पर्टिकुलर डाइट। और जब वो डाइट देंगे तो ये जो पोटेंशियल एटीट्यूड आपके साथ निकलेगा, ये आपको वो देगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। आज का युवा बहुत ही अजीब से एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जिसको 8 PM नाम से जाना जा रहा है, नशे की वो लत। कहा जाता है दो पैक इवनिंग में दोस्तों के साथ मुझे एनर्जेटिक करते हैं। सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल भी नहीं। धीरे 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 वो युवा उस नशे की गिरफ्त में आ रहा है। मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी, आनंद और मजा। उस मजे में, उस एंजॉयमेंट, उस मजे में अपने पूरी लाइफ को वो बर्बाद कर रहा है। वो टाइम जो उसे अपनी पोटेंशियल एटीट्यूड के लिए इस माइंड को डाइट देनी थी, वो उस डाइट में विस्की को घोल रहा है। क्या मिलेगा? क्या कभी आपको उन दो पैक से जो एनर्जी आपको मिल रही है, क्या उससे कभी कोई सक्सेस हुआ? किसी एक की कहानी बताइए। डेली लेने वाले ये दो पैक किसी इंसान को सफलता दे पाए? जवाब ना ही आएगा। वही बात, क्या दे रहे हैं इस माइंड को डाइट प्लान? आपको अपनी जिंदगी में जो आपको लेग पुलिंग करे, पीछे धकेले, आपको नेगेटिव करे, निकाल फेंकिए उनको अपनी जिंदगी से। और कुछ लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना होगा जो आपको एनर्जेटिक दे, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे, जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे। ये फैसला आपका है। सब कुछ आप प्लान करेंगे और मिलेगा वो जो आपको चाहिए, और जो आपको चाहिए ये चाहिए उसके लिए आपको प्लान करना होगा। दो तरह की रिचुअल्स हैं, राइट रिचुअल्स एंड रॉन्ग रिचुअल्स। जो ये राइट रिचुअल्स हैं, इनको इंस्टॉल करना होगा और अनइंस्टॉल करना होगा आपकी रॉन्ग रिचुअल्स को। इतनी सी मेंटल टफनेस, मेरी उंगली को देखिए, इतनी सी मेंटल टफनेस, इतना सा डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल देगा। पूरी दुनिया, मैं कहता हूं पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी और आप खड़े होंगे सबसे आगे। जिंदगी में यदि कुछ नया करना है तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, सक्सेस इन 3 स्टेप, कि पहले आपको क्या चाहिए ये आपकी इच्छा शक्ति, किस तरीके से वो मिल सकता है ये आपकी डायरेक्शन, और डेडिकेशन जब तक वो मिल नहीं जाता। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपको देता रहूं, तो आप इस सब्सक्राइब बटन को अभी दबाइए, और साथ में जो ये बेल का आइकन है उसको दबाइए, आपको मेरी अगली वीडियो सबसे पहले मिलेगी।